हेलो आदाब, नमस्कार, जय जिनेन, केम छो दोस्तों, वेलकम बैक टू डायनामिक डूअर्स। आज हम बना रहे हैं 3 अलग अलग फ्लेवर के केक फ्रॉस्टिंग्स, वो भी सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट्स के साथ। तो चलिए बनाते हैं आज की रेसिपी। इसके लिए हमें फर्स्ट इंग्रेडिएंट जो चाहिए वो है अनसॉल्टेड बटर, यानी कि बिना नमक वाला बटर। यहाँ मैंने 100 ग्राम बिना नमक वाला अनसॉल्टेड बटर ले लिया है। इसे यूज़ करने से 10 मिनट पहले इसे फ्रिज से निकाल ले ताकि ये सॉफ्ट रहे और बीट करने में आसानी हो। जैसे जैसे हम इसे बीट करते जाएंगे ये धीरे धीरे सॉफ्ट होता जाएगा। चार से पाँच मिनट बीट करने के बाद आप देखेंगे कि इसका कलर बहुत लाइट हो गया है, हल्का हो गया है। अब यह अच्छे से लाइट और फ्लफी हो गया है बटर। तब हम इसमें हमारा सेकंड इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे जो कि है कंडेंस्ड मिल्क। यहाँ मैंने आधा टिन यानी 100 ml कंडेंस्ड मिल्क ऐड कर लिया। और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इन दोनों इंग्रेडिएंट्स को हम तब तक बीट करेंगे जब तक इसके अंदर अच्छे से स्टिफ पिक्स ना आने लग जाए। ये हमारा क्रीम बेस तैयार है। अब इसी क्रीम बेस को लेकर हम 3 अलग अलग फ्लेवर्स की फ्रॉस्टिंग बनाएंगे। तो पहला है वैनिला फ्रॉस्टिंग जो हम बनाने जा रहे हैं। इसके लिए हमने जो बेस बना लिया है इसमें वैनिला फ्लेवर ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एक बार फिर हम थोड़ा सा बीट कर लेंगे, 1 मिनट तक बीट कर लेंगे जिससे कि इसमें अच्छे स्टिफ पिक्स बन जाए। अब इसे हम पाइपिंग बैग में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अगर आपके पास पाइपिंग बैग ना हो तो आप कोई भी पॉली बैग का कॉर्नर कट करके वहाँ पे पाइपिंग के लिए जो नोज़ल्स मिलते हैं इन नोज़ल्स को आप फिट कर सकते हैं और इस तरीके से आप फ्रॉस्टिंग उसमें ट्रांसफ़र कर लीजिए। और अब यह हमारा फ्रॉस्टिंग तैयार है किसी भी केक या कपकेक्स को सजाने के लिए। देखिए कितना क्रीमी और सॉफ्ट फ्रॉस्टिंग बनता है। Isn't it beautiful? अब हम बनाएंगे सेकंड फ्रॉस्टिंग जो कि है स्ट्रॉबेरी फ्रॉस्टिंग। इसके लिए हमने स्ट्रॉबेरी एसेंस ऐड कर लिया है और इसे मिक्स करके बीट कर लेंगे जिससे कि कलर और फ्लेवर्स अच्छे से एक दूसरे में मिक्स हो जाए। अब इसे भी हम पाइपिंग बैग में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अगर आपको लगता है कि बीच में आपका फ्रॉस्टिंग या क्रीम जो है ये मेल्ट हो रहा है तो इसे थोड़ी देर के लिए आप फ्रिज में रख दें। जैसे ये ठंडा हो जाएगा ये फिर से एकदम अच्छा हो जाएगा कंसिस्टेंसी। और देखिए ये कितने अच्छे से निकल के आ रहा है। ये रेडी है हमारा स्ट्रॉबेरी फ्रॉस्टिंग। अब बारी है तीसरी और हमारी फेवरेट चॉकलेट फ्रॉस्टिंग की। इसके लिए हमने क्रीम बेस ले लिया और इसमें मोल्टन चॉकलेट लिया है। मोल्टन चॉकलेट यानी मैंने डार्क चॉकलेट को डबल बॉइलिंग मेथड से मेल्ट कर लिया। आप चाहे तो मिल्क चॉकलेट या कोई भी आपके पसंद का चॉकलेट फ्लेवर ले सकते हैं।
और इसे अच्छे से बीट कर ले जब तक स्टिफ पिक्स ना बन जाए। पाइपिंग बैग में इसे ट्रांसफर कर लेंगे और ये हमारी चॉकलेट फ्रॉस्टिंग तैयार है केक्स और कपकेक्स को डेकोरेट करने के लिए विद अ ब्यूटीफुल एंड यम्मी चॉकलेट क्रीम। तो कैसी लगी आपको ये सिंपल फटाफट बनने वाली केक को डेकोरेट करने की फ्रॉस्टिंग्स बनाने की आसान सी रेसिपी? मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइए कि आपको ये कैसी लगी, और अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।